क्या बात है, एंड एंड गलबात, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता जो सच में मान साहब यार। ने ये गाना बनाया ना। हेलो गाइस, तो गाइस वी आर बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं मलकी की माँ सॉन्ग बाय बब्बू मांझी। मान साहब का बिल्कुल लेटेस्ट लेटेस्ट गाना आया, और मान साहब ने मतलब भी इधर बता ही दिया गाने का। हाँ, वलैतन मलकी मतलब वलैतन और कीमा मतलब देसी। देसी। तो गाइस 17 मिनट का गाना, यस, तो 17 मिनट की तो एल्बम होती है, वेब सीरीज होती है। मान साहब ने गाना बिल्कुल, दिया, हाँ बिल्कुल। तो गाइस टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले और इन्होंने पता है कहीं पे भी कुछ नहीं पता लगा, सडनली लॉन्च किया है। वो तो मतलब स्टाइल है मान साहब का। कई सॉन्ग का ये टीजर निकालते हैं ना, इसका अच्छा, टीजर भी नहीं आया। तो ये गाना किसी एल्बम का है? सिंगल ही है, एल्बम का तो नहीं है। सिंगल। लेबल है स्वैग म्यूजिक, मान साहब के चैनल पे ही है। तो गाइस सुनते हैं फिर हाँ, मलकी की माँ। कीमा। वाह, म्यूजिक तो डिफरेंट ही होता है, लुक कितनी अच्छी है। ओए मलकी यूएसए दी बार च बोतल भरती सी, कीमा कोले आके बेनती गुजारे। अच्छा, लम्मा पेंडा राही मर गए नी प्यासे, ओए लम्मा पेंडा राही, लम्मा पेंडा राही मर गए नी प्यासे, और पौआ बिस्की दा पिला देनी मुटे आरे। जा मेरे देसिया, तेरे चेहरे तो तू लगदा है घबराया, 9/11 पिछों इत्थे सख्ती हो गई, 9/11 पिछों, 9/11 पिछों इत्थे सख्ती हो गई, ओ मैनू दस का कमलिया इलीगल क्यों आया। क्या लड़के लड़की में क्या कॉन्वर्सेशन हाँ। है, तो लड़का फॉरेन गया होगा है हाँ। ना, वो 9/11 वही जो हुआ था, लड़की हाँ, यूएस तो वही हाँ, बोला ना, हाँ, यूएस में यूएस। 9/11 वाले जो वो अटैक हुए थे उसके बाद सख्ती हो गई, हाँ, तो तू इलीगल इलीगल क्यों क्यों आया। आया, तो वो यस। हमें पता है ना, कई बार जैसे इलीगली जाते हैं तो उसकी हाँ बात कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन है हाँ गाइस, बिल्कुल। सुनते हैं पूरी। कीमा की कहना की दसा तेनू ए कहानी लम्मी है, दसा बड़ी डिटेल च पऊ तेनू समझाउणा, ओए आपां खंट पिंड विच वधिया आलू लाउंदे सी, आपां खंट पिंड च, आपां खंट पिंड विच वधिया आलू लाउंदे सी, केड़ा कंजर सीगा चाहुंदा इत्थे आउणा। क्या बात है मान साहब, कीमा ने भी अपनी लाइन बोल दी। और कीमा के बोलने से पहले आगे बोल रहे हैं ना, अभी मान साहब ने कीमा कहना, वो वही तभी तो थोड़ा ना वो फील सी आ गई थी बिल्कुल, और जोश बढ़ गया। वो लड़का रिप्लाई कर रहा है कि यहाँ पे कौन आता आना चाहता था, स्टोरी बहुत लंबी है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, शायद इसमें बता भी दें, 17 मिनट का गाना है। सपना अखियां दे विच लगदा है कोई सजाया, केड़ा विलेज ते तेरा केड़ा डाक खाना है, ओए केड़ा विलेज ते तेरा केड़ा विलेज ते तेरा केड़ा डाक खाना है, ओए चोगा किस बिजनेस ने दसका तेनू पाया। वाह, पिंड तो बागां वाले जांदे सी, खन्ना रोपण बस
ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਪੱਟੀ ਕੋਲੇ ਵਾਲ ਘਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖੋ ਖੇਤ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪਿਲਾਇਆ ਚਾਂਦੀ ਸੀ ਮਿਰਜ਼
ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੱਢ ਲੈ ਆਇਆ ਉਂਝ ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਲੂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਏ ਆਦਾ ਆਸ਼ਕ ਜੇ ਨਾ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਸੱਜਣਾ 18 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਪਲੇਨ ਨੇ ਯਾਰੋ ਬੋਲਾ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਓਏ ਨੰਬਰ ਜਾਂਦੀ ਓ ਮੁੰਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂਦੀ ਓ ਮੁੰਡਿਆ ਓਏ ਨੰਬਰ ਜਾਂਦੀ ਓ ਮੁੰਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਆਲਮ ਕਾਇਆ ਵਾਹ ਸਟੋਰੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਲਟੀ ਦੇ ਤੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਸਾਲਟ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਤੇਜ਼ਾਬ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਮਲਕੀ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮਾਈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਰ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਦੇਸੀਆਂ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਬਸ ਉਹ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਉਡਾਇਆ ਬਾਪੂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਗੋਰੀ ਸੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਪੂ ਨੇ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਫੂਲ ਬਣਾਇਆ ਦੇਖੀ ਖਬਰ ਯਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਓਹਦਾ ਨਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਓਏ ਓਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੱਗੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਛੱਡੋ ਬੁਰਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਕਹਾਣੀ ਇੰਨੀ ਐਡਰੈਸ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਏ ਅਮਰੀਕਾ ਬਿਜੂਆ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਏ ਅਮਰੀਕਾ ਬਿਜੂਆ ਓਏ ਅਮਰੀਕਾ ਬਿਜੂਆ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਏ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਓ ਨੰਗਾ ਤੂੰ ਚੱਟੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾਈਏ ਓਏ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਓਏ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਯਾ ਫਿਰ ਗੇਰ ਰਿਵਰਸ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਏ ਵਾਹ ਯਾਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਮੀ ਮਲਕੀ ਗੋਰਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਟਕੇ ਟਕੀਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਾਨਾ ਓਏ ਮੁੰਡਿਆ ਮਾਨਾ ਦਿਆਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਨੀ ਓਏ ਮੁੰਡਿਆ ਮਾਨਾ ਦਿਆਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਨੀ ਚੀਟਿੰਗ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ 12 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਗੇੜੀ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਓ 12 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਗੇੜੀ ਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਲੈ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਲੋਈ ਗਾੜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ
जोड़ी मलकी की मेहंदी होए वाली जचगी बई टॉप ते जीन यारो लगदी बड़ी प्यारी ओए की मलम्मा लांजा गबरू देश पंजाब दा की मलम्मा लांजा ओए की मलम्मा लांजा गबरू देश पंजाब दा ओए मारी सेल्फ टू सीटर उड़दी वरे वरारी खाके जंक फूड में यार पलंपी होई ओए ते मरवाना गुप्त बार विच मिलदा है ते मरवाना ओए ते मरवाना गुप्त बार विच मिलदा है एथे चोरी चोरी पींदा है हर बोई वाओ। इस सॉन्ग के लिए हम क्या क्या वर्ड्स बोले यार, मान साहब को ना झुक के प्रणाम। सच में यार तत्ता दूध पी के सो जाइए यार। अगली बार मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने यार है। यार इतनी अच्छी कहानी बताई मान साहब ने। यस यार, दुनिया बाहर वाली भूल गए थे उस 17 मिनट में, अभी भी भूल गए हैं क्योंकि वो फॉरेन का सीन याद आ गया। लड़का लड़की बैठे हैं, शाम है, पैग वाला माहौल है ना सारा, और बातें कर रहे हैं। क्या बात है मान साहब।
नहीं कोई कर सकता यार। यार इनके स्टोरी सुनाने का तरीका भी तो देखो यार, मना और दसी जरा। हाँ यार हंसा रहे थे हमें, साथ में हंसी भी, एंटरटेनमेंट पूरी थी, हंस भी रहे थे। और आप लोगों ने कमेंट किया था बब्बू मान जी 40 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट खुद बजाते हैं, तो इसमें इतने इंस्ट्रूमेंट थे, इतने इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए हैं, उनको बजाया गया है म्यूजिक के साथ, कैसे रिमिक्स किया गया है यार, क्या बात है। एंड गलबात, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता जो मान साहब ने ये गाना बनाया ना यार। एक स्टोरी थी यार, मतलब देखो गाइस, हम कोई भी गाने सुनते हैं है ना, ईयरफोन्स लगा के सुनते हैं तो पूरे उसी माहौल में रंग जाते हैं, इतनी फील आती है, तो जो हमारा जेन्युइन रिएक्शन निकलता है हम वही देते हैं। कमेंट्स में यार हमें लोग बोलते भी हैं ओवर एक्ट कर रहे हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, पर ईयरफोन्स लगाए होते हैं ना वहीं पे गुम होते हैं, तो जो नेचुरल है वही निकलता है। आवाज भी फोन की फुल होती फुल, है, फुल मतलब, थोड़ी होती है वॉल्यूम, तभी तो फील आती है ना, तभी तो हमारे इमोशंस निकल सकते हैं ना। मतलब अगर हम मतलब उस टाइम पे ना बिल्कुल उसी चीज में गुम हो जाते हैं, तो पूरे जैसे दिल के जज्बात हैं वैसे ही निकलते हैं, वो शायद ओवर एक्टिंग लगती है, पर जो करते हैं हम जेन्युइन रिएक्शन देते हैं बिल्कुल। और एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, सॉन्ग आते हैं 3 मिनट के, 4 मिनट से ज्यादा 5 मिनट के, उसमें क्या होता है कुछ लाइन्स बोलते हैं, उसके बाद वो हुक लाइन होती है, वो रिपीट होती रहती है, लेकिन इस ये पे तो कहानी कुछ यार भी कुछ भी एक वर्ड भी रिपीट नहीं हुआ बस। मुझे वो काफी अच्छा लगा, आलू की बात की गई है ना पहले, उसने जब स्टोरी सुना रहा था लड़की को बता रहा था, तब ने बोला कीमा मतलब लड़का स्टोरी सुना रहा था, तो उसको बोलता है कि किसका दिल करता है हम आलू बेच के अपना काफी घर अच्छा घर बार छोड़ के आया है, तो वो कहानी भी बता देगी क्यों छोड़ के आया हूँ तो, और आपस में मतलब उन दोनों को प्यार भी हो जाता है, स्टोरी द हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और पार्ट टू भी आएगा और कहानी आएगी। अभी ये गाना तो अगर आपने आधा पौना घंटा का ही जाना है, गाना लगाओ, चाहे टू व्हीलर पे जाना है चाहे गाड़ी में जाना है, गाना लगाओ। टू व्हीलर पे तो और मजा आएगा ईयरफोन्स लगा के, बस आपका सफर पता भी नहीं लगेगा। गाइस लोग कहते हैं कि 4-5 मिनट से गाने ऊपर होने नहीं चाहिए, मान साहब कहते हैं कि ऐसा लिखेंगे, ऐसी चीजें बताएंगे, तो 17 मिनट छोड़ो, आधा घंटा भी हम सुनने को तैयार है। एक मिनट, एक सेकंड के लिए भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा। हाँ, ऐसे बैठे बस वो दोनों, एक लड़का लड़की इमेजिन कर लिए, बस उनकी स्टोरी देख रहे हैं, मान साहब जैसे बोल रहे हैं, बस उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, स्टोरी बिल्कुल चल बिल्कुल है। क्या स्टोरी थी, अब क्या बताए, वो स्टोरी दिमाग में बस गई है गाइस। वही तो बोल रहे हैं ना हम, मतलब हमें कोई चीज अच्छी लगती है, म्यूजिक अच्छा लगता है या कोई वर्ड्स अच्छे लगते हैं, स्टोरी थी ये तो अच्छी लगी, बहुत ज्यादा अच्छी लगी। हम इसके लिए वाओ वर्ड भी बहुत ही ज्यादा छोटा है, कोई मान साहब के लिए कोई वर्ड ही नहीं है, मान साहब के लिए कोई वर्ड ही नहीं है, बस मान साहब को दिल से रिस्पेक्ट है, हर बार मान साहब को बस हर बार झुक के सलाम कर सकते हैं हम तो, और तो एंड गलबात करा दी मान साहब ने। और देखो मान साहब हर चीज खुद करते हैं और फिर भी गाने इतनी जल्दी जल्दी आ जाते हैं मान साहब के, और 17 मिनट का गाना, सलूट है मान साहब, सलूट। जैसे कोई स्टोरी सुनाता है ना तो सच में मेरे से वेट नहीं होता कि मैं अब और वेट करूं आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इसमें बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था कि आगे क्या होगा, पर इसमें जो म्यूजिक था, म्यूजिक के साथ साथ हम डांस कर रहे थे, हम इंजॉय कर रहे थे ये सारी स्टोरी। ऐसी स्टोरी नहीं सुनी कभी यार, ऐसी स्टोरी नहीं सुनी, और ये एक स्टोरी भी थी बिल्कुल, पर इसमें हम रिलेट कर पा रहे थे खुद को भी, ये कुछ ये स्टूडेंट की सच्ची कहानी होगी। होगी यार, कॉलेज में कोई रिलेशनशिप ऐसे एंड हुआ हो, या लड़का या लड़की दोनों में से एक कोई फॉरेन चला गया हो, ये हमें पता है मान साहब सच्ची बातें लिखते हैं, ये सच्ची बातें ही लग रही थी, किसी की रियल स्टोरी लग रही थी। वाह मान साहब, सलूट है। यार जैसे वेब सीरीज भी हम देखते हैं, ठीक है, कोई भी चीज देखते हैं जिसमें एक स्टोरी होती है, ठीक है, वो क्या इतनी ही चीज को इतना खींच लेते हैं ना कि इतने इतने एपिसोड्स बना लेते हैं, ठीक है, पर मान साहब जी ने स्ट्रेट हमें स्टोरी भी सुनाई, इंजॉय भी करवाया हमारा और एंटरटेनमेंट भी दिया। ये गाने में ऐसी स्टोरी तो कभी सुनी नहीं। देखो किसी ने अगर कोई स्टोरी सुनानी भी हो, शायरी आई होगी, तो ये तो गाना बना दिया, एक स्टोरी थी यार पूरी ये। और देखो खुद बोल रहे हैं मान साहब जी की माना दसी हो, ऐसे लग रहा था कोई मतलब दो बंदे बैठे हैं, दो बंदों की कन्वर्सेशन हो रही है, और वो एक बंदा दूसरे को बता रहा है कि तीसरे को हमने स्टोरी बतानी है, और माना दो दसी मतलब आपको पता क्या है, आप बताओ तीसरे बंदे को यार है। क्या नरेट किया यार, क्या नरेट किया बब्बू मान साहब ने। ये गाना ऐसा तो
चलो एक तो ऐसा ही, अगर आपने शॉर्ट रास्ते पे जाना आधे पौने घंटे में लगा लो, सफर निकल जाएगा, पर लंबा रास्ता भी है ना, ये रिपीट पे स्टोरी चलेगी है ना, अभी हाँ। भी ये रिपीट पे स्टोरी चलेगी। एक सही है यार, अब क्या बोलने, मजा आ गया बहुत ज्यादा। वीडियो वैसे ही काफी हाँ। लंबी हो गई है गाइस, तो फिर करते हैं, क्योंकि हम अब तो इतने जज्बात भरे हुए हैं ना, अब चुप ही नहीं करेंगे, इतना कुछ है बोलने को, पर करते हैं अब फिर आप ये वीडियो लोग भी बोलोगे कितना बोलते हो, पर ये सच में ट्रू जज्बात ही निकल रहे हैं गाइस, जो हमें फील हुआ वो पूरा ट्रू बोल रहे हैं। तो गाइस फिर करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक, हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।